अरे बस मेरे को किक मत मारना, मेरे साथ बात करते रहना ठीक है। अरे किक मारो, अरे किक मारो भाई, अरे भाई यार इन्होंने तो मेरे को किक मार दिया। शिट यार भाई, अब इनके ग्रुप में चलते हैं। देखो गाइस आज मैं गेम खेल रहा था एंड गेम खेलते खेलते भाई कुछ बंदे थे, मतलब अज्जू भाई और राय स्टार भाई गेम में आया एंड भाई मेरे को गंदे से मोड दिखा रहे थे, बहुत गंदे तरीके से। जैसे गाइस आप लोग देख सकते हो बंदा मेरे को रिक्वेस्ट भेज रहा है एंड इसके ग्रुप में चलते हैं। यही वो बंदा जो इमोट दिखा रहा था, इनके ग्रुप में चलते चलो। हेलो हेलो, अरे भाई यार तुम इमोट क्यों दिखा रहे थे भाई मेरे को? हेलो, अरे भाई क्या चिमकांडी विमकांडी क्यों बोल रहे हो भाई? मेरी बात सुनो यार, मैं नूबड़ा हूँ, मतलब मेरे के पास इमोटल वंडल नहीं है तो मेरे को इमोट दिखाओगे? अच्छी बात थोड़ी है ऐसे यार। ये ना जो अभी हम अरे अरे तो तेरी आरती उतारेंगे क्या भाई? तो नूब है तो नूब ही बोलेंगे ना भाई। यार तुम यार क्या क्या लिख रहे हो यार, ये कर क्या लिख रहा हो भाई यार, मतलब मैसेज में इतने गंदे गंदे वर्ड क्यों कर रहे हो यार? यूज साले वो तेरे लिए सही है, तेरे लिए सही है, नूबड़ा कहीं का कलवाया था भाई। तुम ऐसे इंसल्ट करते हो सब नूबड़ों की भाई, तुम यार लड़कियों के गाली दे रहे हो। देखिए भाई कितने गंदे गंदे वर्ड यूज कर रहा भाई, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा भाई। देखो तुम क्या लिख रहे हो यार। नहीं नहीं, गाली देने के लिए अब जेंडर चेंज करो तेरे लिए मैं। अरे भाई ये भी सही है भाई, मेरी बात सुनो। अरे तू चिमकांडी है, कौन है भाई तू, कौन है? अरे बस मेरे को किक मत मारना, मेरे साथ बात करते रहना ठीक है। अरे किक मारो, अरे किक मारो भाई, अरे भाई यार इन्होंने तो मेरे को किक मार दिया। शिट यार भाई, अब इनके ग्रुप में चलते हैं, देखते हैं भाई अब मैं कैसे जाऊं ग्रुप में। भाई बुला लेना मेरे को, वो अच्छा रहेगा दोबारा से भाई, प्लीज बुला ले यार, बुला ले भाई, इनके साथ वर्सेस करेंगे भाई। ये कौन है भाई, बुला ले। अरे भाई बुला लिया ओपी। अरे हेलो 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 हेलो, भाई तेरे को शर्म नहीं आ रही क्या पे? अरे भाई तुम बुला रहे हो भाई, मैं थोड़ी आ रहा हूँ भाई, किक मत मारो। तो तुम यार इतने इतने गंदे गंदे शर्म नहीं है क्या भाई? सर शर्म नहीं है तू बड़ा ग्रुप में है, गेम तुम भी खेलते हो, गेम मैं भी खेलता हूँ, तुम ऐसे भाई मेरे को किक मार रहे हो यार। अरे मारो 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 भाई, नहीं भाई नहीं, किक मत मारना भाई यार, तो गालियां यूं लिख रहे हो यार तुम भाई। अबे भाई मत मार भाई, भाई निकालो भाई, फिर से यार किक मार दिया भाई, मेरा दिमाग खराब हो रहा है अब तो भाई, फटने को रहा है सिर। अब भाई इसके ग्रुप में प्लीज यार दोबारा से भेज दे, मेरे को रिक्वेस्ट भेज दे प्लीज यार, दोबारा से रिक्वेस्ट भेज दे भाई, इसके ग्रुप में चलते हैं भाई प्लीज, दोबारा भेज दे भाई, दोबारा भेज दे। मेरे भाई गुस्सा इतना आ रहा ना, हालत टाइट हो चुकी है भाई, एक बार बुला लेना मजा आ जाएगा भाई, एक बार मेरे को बुला लेना भाई मजा आ जाएगा। अबे भाई बुला लिया, हेलो हेलो, अबे मेरी बात अबे सुन 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 तीनों सुनो, अरे नूबड़ी सुन मेरी बात, तुम्हारी औकात है मेरे साथ वर्सेस कर लो ठीक है, तुम्हारी औकात है। अबे औकात चल ना चल नूबी, अरे सस्ते नशे मैडम देखिए मेरे क्या करोगे भाई, गांजा फूंक के आए बंदा। अरे भाई तुम्हारे तुम्हारे में औकात है तो मेरे साथ वर्सेस कर लो ठीक है। ओ अरे नूबड़ी तू इतना औकात है भाई, मेरे साथ में वर्सेस कर लो, तुम्हें तुम्हारी औकात का पता चल जाएगा। अरे तेरी औकात क्या है भाई? भाई औकात पे मत जाओ भाई, देखो अगर मैं दम है ना मेरे साथ वर्सेस कर लो, पता चल जाएगा किसकी क्या औकात है भाई। बोट है भाई, तू सस्ते नशे करके आएगा, किससे क्या बात कर रहा है? अरे भाई तू भाई वर्सेस करना है तो बोल, वरना भाई बता चल ठीक है। अरे तू बना भाई, तेरे को बताते भाई, तेरे को फिश से मार भाई, तू फिश से मारेगा मेरे को? अच्छा तेरे को तेरी औकात दिखाता भाई, ज्यादा बोल रहा ना तू, तेरे को तेरी औकात दिखाता भाई। अरे आना बोर्ड तेरे को बताना पड़ेगा। ओ अच्छा 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 चल ठीक है, मैं रूम बना रहा ठीक है, आ जा तेरे को तेरी औकात दिखाता साले निकल। अरे बना इसको, लड़की को भी लेके आना ठीक है, चलो मैं बनाता रूम। तो भाई लोग मैं यहाँ पे गेम में कस्टम में आ जाता हूँ भाई, ये बंदे भाई ज्यादा बोल रहे थे कुछ भाई, इनको भाई इतना गंदे वाले मेरे को मारना था ना, फर्स्ट राउंड तो भाई मेरे को मार लेते हैं। और गाइस यहाँ पे भाई मेरे को इमोट भी दिखाते हैं जिसमें कि मेरे को बहुत बुरा लगता है। एंड गाइस उसके बाद में भाई सीन क्या होता है भाई, हमारा दूसरा राउंड स्टार्ट होता है, एंड दूसरा राउंड स्टार्ट होते हैं भाई लोग मैं अभी यहाँ पे ये उठा देता हूँ भाई M8087 भाई, जिससे कि भाई मेरा मन था कि भाई मैं इनको हेडशॉट मारूं, बट ये बंदे को हेडशॉट नहीं लगता, बस 18 का हेडशॉट रेट लगता है, हेडशॉट रेट बोल रहा हूँ, हेडशॉट लगता है। फिर भाई मैं दूसरे सीजन 2 वाले बंदे को डाउन कर देता हूँ यहाँ पे। एंड गाइस यहाँ पे एक मस्त सी बात बताऊँ आप लोगों को भाई, अगर मेरे कोई मोड दिखाते गाइस रिवेंज लेना तो बनता है। एंड गाइस काफ़ी दिनों से भाई आप लोग भी बोल रहे थे भाई आप लोगों का वॉइस वाला मेरे को वीडियो देखना है, तो भाई लोग आज मैं फाइनली वॉइस वाला वीडियो लेके आ गया हूँ। वैसे भी ये बंदे डिस्कॉर्ड पे नहीं आए थे तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई सीधा ही यहाँ पे ऐसे वॉइस ओवर कर देते हैं। तो भाई लोग आप लोग ये वीडियो एंड तक देखना क्योंकि गाइस यहाँ पे बहुत मजा आने वाला है। और भाई यहाँ पे आज जो भाई पूरा मूवमेंट दिखा रहा था तो भाई लोग मेरा मेन ट्राई था कि भाई मैं उसको भाई हेडशॉट से भाई मार ही दूँ, मतलब पूरा खत्म ही कर दूँ भाई, क्योंकि गाइस मेरे को बदला लेना आया था। तो यहाँ पे सामने वाला बंदा भाई ज़्यादा मूवमेंट दिखा रहा था तो वो अज्जू भाई था, राइस्टार वाला जो बंडल था तो भाई मैंने डाउन कर रखा था। एंड भाई लोग ये जो एक सीजन 2 वाला थे मैंने मार ही दिया था, तो भाई मैं अज्जू भाई को यहाँ पे एक हेडशॉट देता हूँ 79 का। एंड उसके बाद भाई लोग मेरा मेन ट्राई रहता है कि भाई मैं सीधा ही इसकी खोपड़ी खोल दूँ। भाई मैं ट्राई कर रहा था वो हेडशॉट देने की। एंड गाइस आप लोगों को पता है मैं मोबाइल में बहुत कम खेलता हूँ। एंड गाइस यहाँ पे एक मस्त चीज़ बताऊँ आप लोगों को, मैं इतना खतरनाक AWM का गेम प्ले करूँगा ना यहाँ पे, इतना खतरनाक वाला, मतलब आप लोग देख के हैरान हो जाओगे। मतलब गाइस आप लोग ये बोलोगे भाई तो भाई तू तो स्नाइपर किंग है, स्नाइपर किंग समझते हो ना, मतलब लोरम वोरम सब फैल हो जाते हैं, इतना खतरनाक वाला बिना
ट्रिगर वगैरह के बिना उसके करता हूँ, थ्री फिंगर से भाई बड़ा मस्त गेम प्ले हुआ था। तो भाई लोग आप लोग वो गेम प्ले भी देखना, बहुत मजा आने वाला है भाई। मेरे को उम्मीद नहीं थी मैं ऐसा गेम प्ले भी कर पाऊंगा, बट वो वाला गेम प्ले भाई इतना खतरनाक गया ना, मतलब आप लोग कुछ समझ नहीं सकते। तो इसके बाद भाई ये वाला राउंड भी मेरा चला जाता है भाई, यहाँ पे मैं दो राउंड चला जाता हूँ, क्योंकि ऐसे मैंने जानबूझ के दिए थे इनको कि भाई चलो मार दे यार, तुम मैं मेरे को मार के क्या मतलब अपने आपको प्रो समझ रहे हो। तो भाई जब मैं अपना खेल दिखाऊंगा तो भाई तुम लोगों को भाई मैं जगह ही नहीं दूंगा भाई बंदों को मारने की। तो भाई यहाँ पे सिम सामने से राइसा का बंडल आता है भाई, इसको सीधा मैं डैमेज देता हूँ 300 भाई यहाँ पे लगता है इसको डैमेज, एंड ये बंदा हो जाता है पूरा खत्म। तो इसके बाद भाई रेस्टर वाला बंडल ये भी अपने ज़्यादा अपने आपको भाई प्रो समझ रहा था, साना समझ रहा था अपने आपको। तो भाई लोग ये अपने आपको साना समझ रहा था, बट इसको ये नहीं पता था कि हम डबल साने हैं। तो भाई लोग ये सामने से आता है, अभी मेरा मेन टारगेट था भाई कैसे ना कैसे करके भाई ये वाला राउंड तो मेरे को निकालना है भाई, क्योंकि दो राउंड तो गाइस मैं हार ही गया था। तो भाई लोग यहाँ पे इसको 150 का एक पड़ता है, एंड इसके बाद मैं सीधा यहाँ से निकल जाता हूँ, मैं उस पर अज्जू भाई को भी मार देता हूँ, यहाँ पे लास्ट वाला बंदा बचा था। तो भाई यहाँ पे मैं हेडशॉट मारता हूँ उसको भाई, इतना खतरनाक वाला हेडशॉट लगता है ना भाई, मतलब दुनिया फैल हो जाती है। फिर भाई मैं इसको इमोट दिखाता हूँ भाई, बंदे बोलते हैं भाई इमोट क्यों दिखा रहा है भाई, ऐसा तो बोल ही रहे हैं। फिर ये तीसरा राउंड था भाई, यहाँ पे भाई जो शॉट लगने वाला, देखो भाई बंदा आया हेडशॉट भाई, कितना खतरनाक वाला हेडशॉट। और कोई ये बंद बोल देना भाई हैक यूज़ कर रहा है भाई, मोबाइल के अंदर कर रहा हूँ ठीक है, मोबाइल आईफोन के अंदर हैक नहीं यूज़ होती ठीक है, कभी आप लोग ज़्यादा स्मार्ट बनो, मतलब आप लोगों को नहीं बोल रहा गाइस, जो कुछ बंदे होते हैं ना एक दो बीच में बोलने वाले उनको बोल रहा हूँ। तो भाई लोग यहाँ पे भाई इतना खतरनाक वाला AWM का गेम प्ले चल रहा था। तो भाई लोग जो भी बंदा मेरे सामने आ रहा था उसको भाई मैं गंदा कुत्ते की मौत मार रहा था, तो ये भी बंदा ऐसे सामने आ रहा था भाई, ले रखा था चार्ज बस्टर, एंड भाई चार्ज बस्टर से मेरे को दे रहा था लॉन्ग रेंज से चार्ज करके डैमेज, बट इसको ये नहीं पता था कि भाई सामने AWM है भाई, एक ही गोली तुम्हारी चार्ज बूस्टर से ज़्यादा हैवी है। तो भाई लोग ये सामने से आता है भाई, यहाँ पे भाई राइसा को लगता है, एंड भाई इस बंदे को जैसे एक शॉट लगता है डाउन हो जाता है, क्योंकि गाइस इसको 150 का भी थोड़ी देर पहले मैंने दिया था। एंड गाइस यहाँ पे मेरे पास स्काइलर भी नहीं था, अगर स्काइलर होता तो भाई लोग मैं इनको और भी अच्छे तरीके से मार देता, और फिर मैं इस बंदे को पूरा डाउन कर देता हूँ। एंड भाई राइस्टर को भी एक शॉट दे दिया था मैंने, फिर राइस्टर भाई ये जो राइस्टर का बंडल है भाई ये भी पूरा तगड़ा चौड़ में घूम रहा था, फिर भाई इसको भी एक शॉट देता हूँ भाई, ये भी पूरा खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा दो राउंड यहाँ पे मैं विन कर देता हूँ, एंड गाइस दो राउंड यहाँ पे विन करने के बाद भाई तीसरे राउंड में भाई ये बंदा स्नाइपर लेके आता है, और भाई मेरा कनेक्ट ही नहीं हुआ शॉट, मैंने ट्राई किया बट कनेक्ट ही नहीं हुआ शॉट, फिर से भाई मैं कोई बंदा मार देता है। एंड भाई यहाँ पे जो अज्जू भाई का बंडल है भाई मेरे को पूरा इमोट दिखाता है भाई, फिर मेरे को बुरा लगता है, फिर भाई मेरे को गुस्सा आ जाता है कि भाई आप तो तुम्हारी ऐसी की तैसी भाई, आप तो जो भी हो जाए ये वाला राउंड निकालना है। तो भाई लोग यहाँ पे जो स्नाइपर भाई लगने वाली है ना, आप लोग भी देख के हैरान हो जाओगे, क्योंकि गाइस भाई पता ही नहीं चलेगा कि स्विच कब हुई है और कब से बंदे को हेडशॉट लग गया, मतलब कब से बंदे को यहाँ पे डैमेज लग गया और कब में बंदा मर गया। तो भाई कुछ ऐसा सीन था, और भाई यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखो कितना खतरनाक वाला मतलब डैमेज लग रहा है बंदों को, एंड भाई नीचे वाले बंदे को भाई मतलब ये राइस्टार भाई ये वाला बंदा ज़्यादा मेरे को आगे ज़्यादा साना बना रहा था, उस साइड में था ये लड़ते लड़ते भाई इसको डैमेज पड़ा तो सीधा सामने के साइड में चला गया। तो भाई लोग यहाँ पे ये बंदा भाई अपने आपको पूरा साना समझ रहा था, इसको ये नहीं पता कि हम इससे ऊपर के वाले साने हैं। तो भाई लोग ये बंदे को भी हम कंप्लीट कर देते हैं, एंड ये यहाँ पे अपना यहाँ पे तीन तीन राउंड कंप्लीट हो जाते हैं। एंड अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो और आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। एंड भाई लोग ये बंदे मेरे पे साथ में रस कर देते हैं, और इनको मैंने 150 को दे दिया था, फिर ये चोड़े होकर भाई मेरे ऊपर मतलब पूरी चोड़ में आते हैं एंड रस कर देते हैं। तो आप लोगों को तो पता है गाइस जब डबल स्नाइपर हो तो भाई एक एक शॉट ही काफ़ी है, क्योंकि गाइस यहाँ पे 150 का हेल्थ एकदम से खा जाता है स्नाइपर अपना। तो भाई लोग यहाँ पे फिर मैं इनको थोड़ा बहुत इमोट वगैरह दिखाता हूँ, इमोट बाजी भी करनी जरूरी है ना गाइस, रिवेंज तो लेना बनता है ना। तो यहाँ पे भाई फिर इनको भाई पूरा इमोट बाजी करके उसके बाद मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा वो उस बंदे को मार देता हूँ, वो राइस्टार वाला बंडल है जो भाई वो बंदा भाई पूरा कवर में खेल रहा था, तो उस बंदे को मैं मार देता हूँ भाई वो वाला न उससे सॉरी मैं मर जाता हूँ, वो वाला मैंने सीन गलती से कट कर दिया, तो उससे मैं पूरा मर जाता हूँ। तो यहाँ पे भाई मेरा वो राउंड चला जाता है। फिर अब ये वाला राउंड था भाई, मैं इसमें आ चुका था शिपयार्ड पे, शिपयार्ड है गया है गाइस मैं भूल गया, आप जो भी है गाइस इसका प्लेस का नाम बताना, मैं नाम भूल गया ठीक है, तो शिपयार्ड है शायद से, तो ठीक है आप लोग कमेंट करके बताना। तो भाई लोग इस बंदे को भाई मैं पूरा डैमेज देता हूँ, यहाँ पे अज्जू भाई को भी यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पे भाई ये वाला राउंड निकालना ही था, क्योंकि गाइस अगर ये वाला राउंड चला जाता तो भाई फिर तो भाई गए था भाई, फिर तो भाई बचता ही नहीं कुछ भाई राउंड में, फिर क्या करते हैं हम। तो भाई लोग इसको पूरा गंदे वाला डैमेज देता भाई, फिर से राइस्टार वाला बंडल सामने से आता, इसको भाई एकदम से हेडशॉट वगैरह दिया, एंड भाई ये बंदा भी पूरा डाउन हो गया। एंड यहाँ पे बचा तो हुआ था लास्ट वाला बंदा, मतलब ये जो आप लोग देख रहे हो राइस्टार वाला बंडल है जो बनी बंडल सॉरी, तो भाई ये बंदा भी पूरा चोड़ में था भाई, इसको ये नहीं पता था कि पंगा किसके साथ दे रहा है। तो भाई मैं भी पूरा स्प्रे मारने की सोचा था, ये बंदा पूरा स्प्रे मार रहा था, बट यार यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना भाई, मैंने इसको इतना डैमेज दे दिया, अगर आप लोग काउंट करो ना बहुत ज़्यादा डैमेज था ये, क्योंकि गाइस 150 को शॉट भी लग गया था, उसके बाद ये बंदा मरा नहीं था भाई। अभी चार चार राउंड हो गए थे, अब की बार तो भाई मैंने सोचा था थोड़ी मूवमेंट से मारूंगा, तो मूवमेंट मैंने थोड़ी करी। एंड यहाँ पे भाई आईफोन में यार काफ़ी दिनों के बाद खेल रहा था मैं, आप लोगों को बताया गाइस जितना मैं मोबाइल में नहीं खेलता, मैं पीसी प्लेयर हूँ, भाई फिर भी मैं गाइस जितना बढ़िया अच्छे से AWM चला रहा, तो आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो यहाँ पे भाई सामने वाला जो बंदा है ना, मतलब भाई 1v3 कर रहा हूँ मैं, इतने दिनों के बाद मैं सोच रहा हूँ मैं कैसे कर दिया, मेरे को लगा था भाई मेरा गेम प्ले पूरा डाउन हो गया, बट भाई गेम प्ले भी बचा हुआ है, क्योंकि AWM भाई मेरी इतनी खतरनाक चली हुई है, देख सकते आप गाइस भाई एम एक भी शॉट मिस नहीं जाता, मतलब इतना खतरनाक वाला गेम प्ले हो चुका है ना, एक भी शॉट मिस नहीं जाता। तो यहाँ पे भाई यहाँ पे अज्जू भाई को मैं मार देता हूँ,
एंड यहाँ पे थोड़ा ऐसे घूमते घूमते सर्वाइव करते करते ऐसे भाई मैं अपने आप को बचा रहा था भाई, एकदम से बंदे ने मेरे को हेडशॉट दिया और भाई यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा भाई मेरा पूरा सपना टूट गया कि भाई मेरे को भी यहाँ पे डर लगने लगा था, क्योंकि पाँच पाँच राउंड हो गए थे और लास्ट वाला राउंड था, मैंने एक राउंड कट कर दिया क्योंकि मैं वो वाला राउंड भी हार गया था, तो यहाँ पे मैंने एक और राउंड बीच में से कट कर दिया। तो फिर मैंने सोचा कि भाई अब तो भाई मारना ही पड़ेगा क्योंकि इस बेइज्जती हो जाएगी, तो भाई फिर यहाँ पे मैंने पूरा लूट वूट करके लूट वूट तो क्या करनी होती है खरीद लूट वूट वगैरह खरीद के, इसके बाद भाई फिर मैं उसी वर्सेस होता है फिर से स्टार्ट। एंड भाई लोग यहाँ पे क्या होता है, इसको भाई मैं पूरा गंदे वाला हेडशॉट देने का ट्राई कर रहा था, भाई वो बंदा मूवमेंट दिखा रहा था कि भाई इसको कुछ नहीं होगा, मतलब जैसे मैं ओपन में आऊँगा मेरे को हेडशॉट देगा, भाई इतने मैं उसको हेडशॉट दे देता हूँ एंड वो वाला बंदा भाई एकदम से मर जाता है। तो यहाँ पे सीन क्या हुआ है, मेरे बाल भाई पता नहीं कैसे से लग रहे हैं, अजीब से कमेंट करके बताना कैसे लग रहे हैं, मजाक कर रहा हूँ। तो भाई लोग इसके साथ में क्या होता है, ये वाले बंदों को भाई अब लास्ट राउंड था और लास्ट राउंड में भाई थोड़ा मेरे को था कि भाई कैसे ना कैसे करके विन करे, एंड यहाँ पे भाई मैं दो बंदों को यहाँ पे डाउन कर देता हूँ, दो को नहीं सॉरी गाइस एक को कर देता हूँ डाउन। एंड भाई फिर से भाई मैं ट्राई कर रहा था कि भाई इसको मार दूँ, एंड भाई इसको हेडशॉट भी लगा बंदे को फिर भी डाउन नहीं हुआ। फिर भाई मैंने सोचा था कि भाई अब तो भाई बुइया निकलने वाला है, बस दो बंदे मारने हैं और भगवान कैसे ना कैसे करके इनको मैं मार दूँ। एंड भाई लोग ये जैसे सामने आता है भाई उसको एक हेडशॉट लगता है खतरनाक वाला, एंड ये बंदा हो जाता है डाउन। एंड भाई ये सीधा फिर राइट स्टार बनी बंडल आता है भाई, फिर मैं इसको भी मार देता हूँ एंड यहाँ पे मेरा बुइया हो जाता है। और भाई लोग अभी इनको लोबी में लेके चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ सीन हुआ था यहाँ पे इसके बाद में। एंड आप लोग सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया भाई लोग। तो भाई लोग अभी हमने उनको बहुत गंदा पेल दिया, तो अभी उनके ग्रुप में चलते हैं, देखते हैं भाई वो आएंगे भाई, अब तो आएंगे भाई, तीनों ने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ही लिया भाई लोग, देखते हैं। अरे हेलो 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 भाई, अब तो पता चल गया तो कहां अरे भाई मेरी बात सुनो, तुम्हारी औकात नहीं है मेरे ग्रुप में खड़े होने की, जो मेन बात है ठीक है, अब तो मेरे को भाई भाई कर, फिर भी लोल इमोट क्यों दिखा रहा भाई तू, अरे तुक्के से मार दिया भाई, तूने कुछ लगा रखा है दिख नहीं रहा भाई, मेरी बात सुनो, लगा के रखा होगा पक्का, देख रहा है ना कल वायरम लेके आए, क्या ही कर सकता है ये भाई, बोल रहे तुक्का लग गया भाई, मेरा दिमाग खराब होगा, तो भाई तुम्हारा बस बहुत हो गया भाई, अब तो तुम बस मैं अरे भाई सीजन 2 भाई साहब सीजन 2 यार तुम्हारी औकात नहीं, तुम्हें किक मार रहा, चलो निकल हट, अबे जा चल निकल भाई, कहां कहां से आ जाते गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में गाइस, रिवेंज ओपी हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिकट टाटा, लव यू ऑल, बाय बाय चुम्मा।